हेलो म युट्युबर भाइ भनी भने आम आजि सिइटी भुवनेश्वर अफिसियल वेबसाइटर अछु। सो एटा त अफिसियल वेबसाइट तो एथेरे आम कहीं अच्छे कहीं ना एमएससी र फर्म बाहर चार देखा तो ये नोटिस बोर्ड उपर क्लिक कले से आपको ये पेज को नहीं आसो तो व्यू डॉक्यूमेंट उपर क्लिक कले से आपको प्रोस्पेक्टसटा डाउनलोड करदेव तो मुझे अलरेडी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करदे। सो ये देखो एडमिशन नोटिस 2019 रेगुलर टू ईयर मास्टर कोर्स देखु सीईटी भुवनेश्वर तो ये से दौरान एमएससी इन एप्लाइड केमिस्ट्री एप्लाइड फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग रे तीन टा कोर्स ये रही फास्ट आपको यार फॉर्म टा डाउनलोड कराइक पड़ो जोटा कि प्रोस्पेक्टस लास्ट पेज रही फिल करी सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिशन कला कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार जस्ट ये प्रोस्पेक्टस आगे रही तो फर्स्ट दीजिए यार देखते ये दे एप्लीकेशन फी 500 टाँचा फॉर जनरल कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट 200 टाँचा तो यहाँ आपन को इन फेवर अफ सी प्रिंसिपल सीईटी भुवनेश्वर अरे बने मैंने फेवर में बनवाक पड़ो तो यहाँ को आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट भी पठाइक पड़े ता सहित ओके तो यहाँ आपको जुलाई 3 भितर पहुँचा पड़ो तो ये फर्स्ट देखते ये तीनटा सब्जेक्ट दिया एमएससी देखते एप्लाइड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग एप्लाइड फिजिक्स तो लास्ट डेट दे दीजिए 3/7/2019 तो यार सिलेक्टिव डेट टेंटेटिव डेट दे 12/7/19 एडमिशन 18/7 यार सबूतक नोटिफिकेशन वेबसाइट रे आपन पाई परे तो तापर दे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2 इयर्स एमएससी कोर्सेस तो ये दे दीजिए देखते तो एलिजिबल फॉर 2 इयर एमएससी कोर्स मस्ट पास +3 साइंस विथ प्रॉपर स्पेशलाइजेशन जमी जब अप्लाई करते अप्लाइड केमिस्ट्री पे तो आपको केमिस्ट्री ही आपंकर ऑनर्स रहा दरकार आपको फॉर एडमिशन ऑफ 2 इयर सो कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायरमेंट्स +3 साइंस बट दोज हु आर रिजल्ट अवेटेड से मानक भी आम से प्रोविजनल एडमिशन पर एलिजिबल करते सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परसेंट ऑफ मार्क इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम तापर से अप्रोप्रिएट कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देवा पड़ो तो आप जहाँ भी मार्कशीट देवा पड़ो कहीं मार्क बेसिस सिलेक्शन हुए कौन सी एंट्रेंस नहीं देखते ये दीजिए कैरियर मार्क के कैलकुलेट कराव 10th रो 20 पॉइंट्स परसेंटेज ऑफ मार्क इनटू 0.2 तापर आसो +2 रो परसेंटेज ऑफ मार्क इनटू 0.3 +3 रो ऑल सब्जेक्ट रो एग्रीगेट 0.2 तापर जदि आपन से सब्जेक्ट ऑनर्स अछि जदि माने कर आपन बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स आपन पको जने अप्लाइड केमिस्ट्री तो आपन को एटा ए तो आप सब्जेक्ट रो पॉइंट से ऑनर्स सब्जेक्ट रो मार्क उपरे ही मिलियो तापर जदि आपणकर से ऑनर्स नथिबो ताले आपण से सब्जेक्ट जदि पास रे रहिथिबो ताले तार टोटल मार्क जति स्कोर करछन ता से अनुसार ही मिलिबो से परसेंटेज ते तेठे से दीची से तापर दीची केमती एप्लीकेशन सबमिट करे म जो कोतले एटा मोटे बेठे किछि एंट्रेंस एग्जाम नाही केवल एटा मार्क बेसिस रे सिलेक्शन हबो तो फर्स्ट आप कौन कर गोटे फर्स्ट हूँ आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तापर यार एप्लीकेशन फॉर्म ये प्रोस्पेक्टस देखिए देखते पेज 4 आउ 5 देखते से फॉर्मटा तापर देखते से फॉर्म रही यहाँ हूँ एप्लीकेशन फॉर्म यह प्रिंट करके देखते ये हार्ड कॉपी आपको सबमिट कराइक पड़ो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट तीन तारीख भितर आप फर्स्ट एनवेलप ऊपर लिखी देते एप्लीकेशन फॉर 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम डिपार्टमेंट ये आप लिखिदेवे सो आप फिल कर सारापर यही सब डॉक्यूमेंट देखिए जमीक आपंकर डिमांड रैप 500 टकर इन फेवर ऑफ सीईटी भुवनेश्वर ऑन एनी नेशनलाइज्ड बैंक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट 10th सर्टिफिकेट तार मार्कशीट 10th रो तापर +2 सर्टिफिकेट तार तापर मार्कशीट +3 रो सेम सर्टिफिकेट आ तार मार्कशीट सब रो दबा पड़ो आपन को तापर दे दीजि एससी एस जदि आपन कास्ट माने कास्ट सर्टिफिकेट भी जदि आपन थवा आपन अटैच करि परिबे तो जो माने सब रिजल्ट अवेटेड अछन से मन को ओटे
ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ଆପିୟର୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଠୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟା ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର୍, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର୍, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର୍ ଅପ୍ ଟୁ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର୍ ଯାଏଁ ସବୁତକର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ। ଆପଣ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ମେନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆରାମସେ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ତ ୟାକୁ ସବୁ ମିଶାଇକି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏସ କମ୍ ମାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ତା'ପରେ ଫିଲ୍ କରିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନହେଲେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍, କୋର୍ସ ନେମ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଦର୍ ଫାଦର୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଡି ଓ ବି, ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଆଧାର ନମ୍ବର, ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ତା'ପରେ ସେ ପଚାରୁଛି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଅକୁପେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତା'ପରେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ତା'ପରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଏଠି ମାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପାସ୍, ଇୟର୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼, ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍, କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟେନ୍, ତା'ପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ସବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟସ୍ ପର୍ ଡେଟ୍, ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପିୟର୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ମେନ୍ଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କଠୁ। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, ତା'ପରେ ଏଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ତା'ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ତାକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଟୁ ଇୟର୍ସ ଏମ୍ ଏସ୍ ସି କୋର୍ସ 2019, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପ୍ଲାଇଡ଼୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପେଶାଲିଜେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିବେ। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନେହା ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍।